स्वच्छ भारत मिशन के तहत धनबाद नगर निगम ने आज मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के नेतृत्व में विभिन्न वार्डों में डस्टबिन वितरण किया। वार्ड संख्या 25 में आयोजित डस्टबिन वितरण कार्यक्रम में हरा और नीले रंग की डस्टबिन वितरित किया। मौके पर मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि हरे रंग की डस्टबिन में गीला कचरा डालें और नीले रंग की डस्टबिन में सूखा कचरा डालें और पुनः उसे निगम की वाहन में डाल दें। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जिस तरीके से पूरे झारखंड और स्वच्छ भारत अभियान को चला रहे हैं, उसके तहत आज धनबाद नगर निगम की तरफ से हर घर को एक दो डस्टबिन दिए जा रहे हैं, जिसमें एक सूखा कचरा और एक में गीला कचरा रखा है। क्योंकि सेग्रीगेशन जब तक घर से नहीं होगा तो बाहर सेग्रीगेशन होना बहुत मुश्किल है, मतलब असंभव सा है। इसलिए हम लोग सबको ये आगाह कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी ये हम सबको सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने घर से ही दोनों कचरे को अलग अलग करके और हमारी गाड़ियों में जो आपके पास रोज आ रही हैं उसमें अलग अलग डाल दें और हम लोग एक अच्छे धनबाद और एक स्वच्छ भारत। ब्लू और हरा दोनों का क्या 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 मतलब है? ब्लू और हरा का, हरे में गीला कचरा डालना है और ब्लू में सूखा कचरा डालना है, इसीलिए दो कलर का हम लोग डस्टबिन दे रहे हैं। सर इसमें गाड़ी जल्दी चली जाती है तो लोगों को अपने उस टाइमिंग से अपने को एडजस्ट करना है और ये चूंकि प्रतिदिन आ रही है इसलिए अब सड़क पे कचरा नहीं फेंकना है लोगों को। ये मैं आपके माध्यम से एकदम स्पष्ट करना चाहूँगा कि सड़क हम लोग के कचरे के लिए नहीं है और ना हमको वहाँ कचरा फेंकना है। ये शुरुआत कहाँ से कहाँ था? ये हर वार्ड में हो, कोई भी घर चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो चाहे बड़ा महल हो, कोई नहीं छूटेगा, हर जगह से ये कचरा उठेगा।